अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है पास्ता। आज मेरे बेटे की फरमाइश पे मैंने ये रेसिपी लाई हूँ। चलिए देखिए, बताती हूँ। देखिए ये पास्ता है, जितना मेरे घर में था उतना मैंने ले ली हूँ। मैंने इसको वज़न नाप तोलने की हूँ और मैंने इसको उबाल ली हूँ। उबालने के लिए मेरे को कम से कम आधा घंटा गया है इसको, तो उबाल के मैंने इसका पानी छान के हल्का सा पानी डाल के रखी हूँ कि ये चिपके नहीं। और इसके अलावा जो मेरे मसाले हैं, मैं ज़्यादातर मसाले मेरे घर के यूज़ कर रही हूँ, बाहर का नहीं। बाहर का जो है वो थोड़ा बहुत मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, ये है सब मेरे घर के मसाले। इसमें जो यूज़ होएगा मैं वही आपको बताऊँगी, जैसे है तीखी मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च, बस इतना। इसके अलावा और कोई मसाला नहीं डालूंगी। और यह है ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, एक दो मैंने छोटी छोटी हरी मिर्ची ली हूँ, कड़ी पत्ता और एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज। और यह है कोथमीर धोकर बारीक काट ली हूँ। और यह है ग्रीन चिल्ली सॉस, और यह है सोया सॉस, और यह है टोमेटो केचप, और इसके अलावा है ये वीबा का पास्ता मसाला। भाई ये सब मसाले अभी इसमें यूज़ करूँ। देखिए मैंने पतीली रख दी हूँ और इससे एक चम्मच मैंने तेल डाली हूँ। अभी तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब इसके अलावा मैं मसाले डालती हूँ। सबसे पहला मैं डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा आपके ऊपर है, आप लोग डाले नहीं डाले वो आपकी मर्ज़ी। इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता, इसमें प्याज और ये हरी मिर्च, और इसमें मैंने टमाटर नहीं ली हूँ, टमाटर की जगह मैंने टोमेटो केचप ली हूँ। आपकी मर्जी, अगर आपको डालना है तो आप टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। अब ये प्याज हल्की कच्ची पक्की हो जाएगी ना, तो उसमें मसाले डालेंगे। खाने में ये बहुत टेस्ट रहता है इसका, अच्छा लगता है। और ज़्यादातर ये आजकल बच्चे लोगों को ज़्यादा पसंद है। ये मेरे घर में मेरे बच्चों को ज़्यादा यही पसंद है। अब बहुत दिन हो गया, रमज़ान की वजह से मैंने डाल नहीं पाई, तो चलो मतलब आज यही बेटे की भी फरमाइश है तो चलो यही डाल देती हूँ। ये झटपट रेसिपी है, जैसे हम कहीं बाहर से घूम कर आते हैं, थक गए हैं, कुछ और ज़्यादा बना नहीं सकते, तो ये फटाफट वाली डिश आप बना सकते हैं। देखिए हमारी कच्ची पक्की प्याज हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये छोटा चम्मच पेस्ट है। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा स्लो कर दी हूँ कि मसाला हमारा जले नहीं। अब इसके अलावा मैं डालूंगी हमारे थोड़े बहुत मसाले, हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी तीखी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस। अभी हमारा मसाला लगे नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा मामूली सा पानी डालूंगी क्योंकि नीचे मसाला हमारा जले नहीं। ये देखिए अब हम डालेंगे हमारे पास्ता। ये देखिए इसे पानी डाल के रखने से एक फायदा। चलिए देखिए अभी मैंने तो इसमें डाल दी हूँ। अभी मैं सब हमारे मसाले डालूंगी, ग्रीन चिल्ली सॉस एक ढक्कन। ये देखिए
असल में फ्रिज में रखो ना वो जम जाता। सोया सॉस, एक ढक्कन, टोमेटो केचप, ये तो मैं चम्मच से डालूंगी, एक चम्मच, ये देखो। अब इसमें डालेंगे हमारा पास्ता सॉस, इसको भी एक चम्मच डालेंगे, ये देखो। अब ये सब जो मैंने आधा रखी थी अब ये सब उठा के डाल देंगे। अब गैस के फ्लेम को हाई कर दी मैंने, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालना, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। कोई भी चीज़ आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से डालना, हम लोग जितना बताते हैं वो हिसाब से नहीं डालना। अब हमको ये नहीं मालूम कि आप क्वांटिटी कितनी रख रहे, कम रख रहे, ज़्यादा रख रहे, तो आप अपने हिसाब से डालना। ये देखिए इसमें थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे, ये हमारी झटपट वाली रेसिपी है। ये देखिए अब इसको थोड़ा पकने देंगे, बस चलिए ये हो गया रेडी। अब मैं निकाल के आपको बताती हूँ, ये देखिए ये हमारा पास्ता रेडी, ये घर के मसालों से बना हुआ पास्ता है। अब ऊपर से हम डालेंगे इसमें कोथमीर, ये हो गया रेडी। तो इस तरीके से घर के मसालों से पास्ता रेडी होता है। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।